वापस डायरी होता है, जिससे दर्शन नहीं किया वापस आ सकते, उसको दर्शन के वापस आ सकते, कोई तो बहुत बड़ा बदल है। पेरिय कोविड, पेरिय मतलब बड़े, भगवान के संबंध में हर चीज इधर पेरिय, पेरिय कोविड, पेरिय पेरुमाण, अब कुछ पेरिय सारे उत्सव ही पेरिय सबसे बड़ा। और कहते हैं ना उधर का जो भगवान है और नरसिंहदेव वो पेरिय पेरिय पेरुमाण है, ठीक है। रंगनाथ जी कहते उधर हमारा पूजा करने देर प्रवेश करोगे लेफ्ट साइड में चक्र तालवार यानी सुदर्शन नरसिंह, जब प्राय मंदिरों में आपको एक ओर से सुदर्शन का दर्शन होगा, पीछे की ओर से दर्शन करोगे तो नरसिंहदेव दर्शन होगा, क्योंकि सुदर्शन के जो शक्ति हो नरसिंहदेव दे, वास्तविकता है बाह्य रूप में सुदर्शन है, पीछे कौन है नरसिंहदेव, सुदर्शन के 16 हाथ है, आयुध है, खास करके सुदर्शन आलवाल का बहुत पावरफुल प्रार्थना करो तो चाहिए चाहिए ऐसे ही सुदर्शन, ऐसा विधान देश ने सुदर्शन अष्टकम रचना किया आचार्य वास्तविक निधि भगवान की निधि को दर्शाते प्रकाशित करते हैं, तो सन्निधि कहा जाता है, कुछ शब्दों को याद रखना बहुत जरूरी है। रामानुज सन्निधि उधर अंदर प्रवेश करोगे तो जैसे पहला पंडर आएगा उधर देवराज पेरुमाण, पेरुमाण मतलब विष्णु के मंदिरों को पेरुमाण, विष्णु के विग्रह को पेरुमाण कहा जाता है, पेरुमाण आण का अर्थ है जो बिल्कुल मग्न हो चुका है, इसमें प्रेम मग्न हो चुका है, पेरुमाण आण का देखा। चलो इन सब का तो बाद में चर्चा करते रहेंगे। तो देवराज कांचीपुरम के जो मूल विग्रह है वरदराज, मूल विग्रह उत्सव विग्रह का नाम है देवराज, कांचीपुरम के उत्सव विग्रह जो है वो रामानुजाचार्य के पर्सनल डेटी से देवराज परिवार, तो रामानुजाचार्य जिन विग्रहों को अपने साथ में घूमते देखे घूमते थे वो विग्रह है कौन सा, देवराज परिवार। उसके बाद में आपको रामानुजाचार्य का उत्सव जो दिखेगा और पीछे रामानुजाचार्य का तिरुनेमी, तिरुनेमी मतलब स्वयं शरीर है, बस वही रामानुजाचार्य ही है, उनका कोई समाधि ऐसा कुछ पूरा लेबर करके रखा हुआ है, कुछ नहीं बदल कर रखा हुआ है, उसको खुलेआम सबको बोलना नहीं चाहिए, बोलते हम तो बोल देते हैं क्या चाहिए है तो चीजें इसे उसको सीक्रेट रखा जाता है, चुपचाप दर्शन करो बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि आचार्य का शरीर का भौतिक नहीं होता है, ठीक है, भौतिक बुद्धि ना रहे, एक कोई आधुनिक केमिकल बुद्धि ना रहे मन में, इसकी वजह से यही रामानुजाचार्य साक्षात रामानुजाचार्य, तो रामानुजाचार्य का एक बार प्रणाम मंत्र बोल देते इधर से ही, क्योंकि आपको याद हो ना हो इधर कम से कम ऐसा कुछ मंत्र था हमने बोला था ऐसा याद कर रखती है, अस्मद्गुरो भगवतोस्य रामानुजाचार्य का जो सन्निधि है उनके लीला उनका बहुत
सुंदर चित्र है। वो चित्र जो है करीब 500 साल पूर्व है। ओरिजिनल जो कलर्स है गोल्ड सिल्वर ऐसे ऐसे तत्वों से बना हुआ है। एक जर्मन एक महिला तुम्हें पता है ये इतनी चीजें जो सब फेंकने वाले थे इंडियन गवर्नमेंट आज जो वहाँ कर साफ करते चलो कराए सब कुछ अच्छा है। रामाचार्य की जीवनी चित्र रूप में है एक बार दर्शन कर ठीक है। ये हो के बाद अंदर अंदर जाओगे जरूर मिलेंगे बहुत बड़ा गर्व दर्शन क्या था गरुड़ का दर्शन करना वेद स्वरूप गरुड़ स्वयं प्रकट हुए ये दिखाने के लिए कि प्रणवा जो इसका विमान का नाम है प्रणवा प्रणवाकार विमान और प्रणवाकार विमान को वर्णन करने उसका प्रणव का विस्तार करने वाला है वेद तो गरुड़ वेद स्वरूप ही खड़ा है। तो आगे जाओगे तो रंगनाथ जी का दर्शन करने जाओगे रंगनाथ जी का दर्शन करने की समय में ध्यान रखना आप लाइन में जाओगे आपको एक जगह बड़ा देर होगा और आगे जाके रंगनाथ जी का दर्शन करोगे। रंगनाथ जी का जो उत्सव विग्रह का नाम है नम पेरुमाल क्या है नम पेरुमाल या सुंदर जामाता सुंदर जामाता सुंदर जामाता मतलब क्या है सुंदर जामाता नम पेरुमाल उनके ये सब नाम है अलगीय मनवाल ये सब उनके नाम है और जो गुण विग्रह उनका नाम है श्रीरंगनाथा श्रीरंगनाथा। वैसे तो उसकी कथा जो है कैसे प्रकट हुए वो शाम को मैं दर्शन के बाद कहूंगा लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो है ना नीचे से लेके विग्रह के साथ करेंगे पूरा ऊपर तक जो विमान है ना ये पूरा का पूरा जो विमान है एक ही शालिग्राम शिला है ऐसा नहीं कि विग्रह अलग है वेदी अलग है एक ही पूरा पूरा जब प्रकट हुआ भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी के सामने पूरा का पूरा जो स्वरूप है भगवान का विग्रह नहीं पूरा का पूरा स्वरूप श्रीरंग विमान कहा जाता है कोई इंडियन का विग्रह नहीं कहते क्या कहते श्रीरंग विमान तिरुपति विमान का नाम क्या बताएगा विमान का नाम क्या ऊपर का भाग का देखा ना गोल्डन वो है कौन सा आनंद लेयर इधर कांचीपुरम में कौन है कौन सा विमान है पुण्यकोटि इधर जो है आपको प्रणवाकार विमान या श्रीरंग विमान जैसे दर्शन करके आमोदस्तंभों का दर्शन करना दर्शन में चरणाम करके आओ तो गर्भवती छोटे से पति बाहर निकलोगे एक छोटा सा मंदिर है वो है विश्वक्षेण कौन है विश्वक्षेण विश्वक्षेण कथा सुजापादेदितम समय विश्वक्षेण का दर्शन करना वो उनको प्रणाम कर लेने का क्योंकि वो नारायण की सेना के वो कमांडर इन चीफ है ठीक है और वो सेनापति है नारायण की सेवा का सेना का सेनापति हमारे लिए जो गणेश है जो गणेश विद्यार्थी है ना वैसे ही विश्वक्षेण जो है गुरु का मूल गुरु है जैसे हमारे मूल गुरु नित्यानंद गुरु है वैश्य वैष्णव के मूल गुरु कौन है विश्वक्षेण। जैसे बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में ऊपर चढ़ना उधर एकदम नहीं चाहता नहीं मैं तो भक्त लेके जाता हूँ रंगनाथ जी के शरीर में चार भक्त लीन हो गए चार लोग लीन आप गुणशेखर अलवार का नाम सुना उनकी पुत्री चेरवल्ली ताया वो रंगनाथ से प्रेम करती थी रंगनाथ से विवाह करना चाहती थी उसी का आगे रंगनाथ जी शरीर में उनका विग्रह उधर चेरवल्ली ताया और एक मुसलमान की पुत्री थी और राजा की पुत्री थी वो है बीबी नाचिया वो भी उनका भी विग्रह नहीं मुसलमान का विग्रह नहीं रखते ना खाली कांच के द्वारा एक फोटो जैसा बनाया तीसरे जो देवी है जो माधुरस में भगवान की सेवा कर रही थी वो है अंडाल बराला में वो भी भगवान के शरीर में वो तो उनका विग्रह उधर नहीं बाहर आके अंडाल और चौथे जो आडवार
14 एकाड़वार है जो रंगनाथ जी के शरीर लीन हो गए और नाम है तिरुपाण नाड़वार। रंगनाथ जी का केवल रंगनाथ जी के ही लिए स्तोत्र रचना किया, 11 स्तोत्र रंगनाथ जी का स्वरूप वर्णन करते हुए। इनका जन्म स्थान कावेरी के उस बात जो त्रिचि में जन्म स्थान तिरुपाण नाड़वार योगी वाहन। ये चार एक का दर्शन करने के बाद ये दो दिव्य दर्शन करने बाहर आओ, बाहर आओगे तो रंगनायकी का दर्शन प्राप्त। रंगनायकी का बीच में बहुत सारे मंदिरें आती हैं, जैसे 12 आड़वारों का मंदिर होता है, वैसे बीच में आपको कृष्ण का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, धर्म मंदिर का मंदिर सब दर्शन है। रंगनायकी उनका दर्शन करना, रंगनायकी रंगनाथ जी के उनका दर्शन करने के बाद बाहर निकलोगे रंगनायक के जो मंदिर के सामने वेदांत देशिक का हमारा स्थान आप देख लेना। शाम का प्रवचन चाहे तो उधर कर सकते हैं, उधर जगह काफी जगह है, उधर माइक हेलो करते हैं कि क्या है कोई भरोसा नहीं, लेकिन चाहे तो कब रिस्क ले सकते। उधर से 12 आड़वारों का मंदिर करते 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 आप छोटे छोटे बहुत सारे समिति है रात के समय ये मेन है तो बताया। जो वेदांत देशिक का जो मंदिर है उधर एक गेट है बाहर जाने का, उधर से सीधा जाके दो रोड क्रॉस करके लेफ्ट लोगे, चैतन्य महाप्रभु ने जिन विग्रह को स्वयं अपने हाथों से बनाया जगन्नाथ जी विग्रह वो प्राप्त। चैतन्य महाप्रभु इधर कितने महीने रहे, 4 महीने इधर चतुर्मासी चैतन्य महाप्रभु। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगन्नाथ मठ कहते हैं इसको, मठ। ये इतना आज के लिए कर लो तो समझ लो कि आपका हाँ कल का ना सच चाहिए तो फिर 9 बजे 9:30 बजे पहुंचोगे आपको मिल जाएगा बड़ा सा 2-3 पेटी आता है तो जिसके कृपा से कुरेश और आंडाल को पराशर भट्ट और व्यास भट्ट का जन्म हुआ बारावणे बोले बारावणे प्रसाद से दे देंगे आपको। सुबह का जो मंगल आरती है वो 6:30 बजे होता है, लेकिन लाइन में आपको 4:30 बजे खड़े रहना पड़ेगा, जहाँ जगह है उधर। हाथी हम सब बस में आ रहे थे देखा आदि पर बैठ के, तो कावेरी का जो नदी का जो जल है वो भगवान को अभिषेक के लिए रोज आता है और हाथी आता और भगवान गंगा प्रणाम करता है, वो बड़ा अच्छा सुंदर दृश्य है जो जल्दी जाएगा उनको भी दृश्य और भगवान को गाय का पिछला भाग अश्व का आगे का भाग का दर्शन। तो ये कल का मंगल आरती और कल कहाँ कहाँ जाएंगे क्या क्या होगा उसका वर्णन शाम को आपको बता देंगे। इतना वापस शांत से रखो, कोई घाय घाय करो बिल्कुल जाओ, इधर के जो कल्चर है उसको ऑब्जर्व करो।